नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने स्मार्टफोन के जरिए YouTube अगर आप यूज करते हैं तो आज मैं आपको YouTube की ऑल इन वन सेटिंग, YouTube की सभी सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं YouTube की ऑल इन वन सेटिंग, YouTube की सभी सेटिंग। अगर आप YouTube यूजर हैं और YouTube की अगर आपको सभी सेटिंग्स मालूम नहीं है तो आप हमारी ये वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। आई होप अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर जो तरीका, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे YouTube की जो नॉलेजेबल सेटिंग से, जो YouTube की काम की सेटिंग है वो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। आइए देखते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं YouTube की ऑल इन वन सेटिंग, YouTube की सभी सेटिंग। अगर आप YouTube यूजर हैं और YouTube की सभी सेटिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए एंड अच्छी लगे तो प्लीज यार वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसमें आज हम YouTube की सभी सेटिंग्स बताने वाले हैं जो बहुत ज्यादा काम की रहने वाली है एंड बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले YouTube चैनल को ओपन करना है, यानी YouTube को ऑन करना है। YouTube जैसे ऑन करते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटीरियर आपके सामने देखने को मिलता है। यहां पर फर्स्ट ऑप्शन आता है योर चैनल का, इसमें आपको अपना स्मार्टफोन का चैनल देखने को मिलेगा। टर्न ऑन इनकॉग्निटो मोड के अंदर, आप इनकॉग्निटो मोड में कुछ भी सर्च करें तो वो सर्च हिस्ट्री में नहीं आता है, तो यहां पर टर्न ऑन इनकॉग्निटो मोड देखने को मिलता है। ऐड अकाउंट, यहां से अगर आप नया अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसके साथ गेट, यहां पर प्रीमियम सब्सक्रिप्शनशिप लेना चाहते हैं, मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो यहां पर दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, प्रीमियम सिप्स का और परचेज मेंबरशिप का। वॉच टाइम के अंदर आपने क्या क्या टाइम क्या क्या वॉच करा है वो ऑप्शन आएंगे। योर डेटा इन यूट्यूब के अंदर आपका यूट्यूब पर जो डेटा है, जो आपने सर्च करा है वो देखने को मिलता है। इसके साथ ही मेन ऑप्शन है दोस्तों सेटिंग्स। सेटिंग्स को अब हम यहां से ओपन करते हैं तो सेटिंग्स कुछ इस टाइप से देखने को मिलती है। यहां परचेज एंड मेंबरशिप में आपको परचेज एंड मेंबरशिप देखने को मिलेगी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहां पर जनरल। जनरल के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, जनरल ऑप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर नॉर्मल सेटिंग्स हमें यहां पर देखने को मिलती है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं जनरल ऑप्शन पर और जनरल सेटिंग्स में आपको बताने वाला हूं। तो ये जनरल ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन आता है रिमाइंड मी टू टेक ए ब्रेक। अगर आप कोई ब्रेक लेना चाहते हैं उसको तो वो आप यहां से एडजस्टेबल कर सकते हैं कि मुझे हर एक घंटे में, दो घंटे में ब्रेक मिले वो ले सकते हैं। रिमाइंड टू का या बेड टाइम, यहां से आप अपना बेड टाइम ले सकते हैं कि ये मेरा सोने का समय, इतनी बजे से इतनी बजे तक मैं सोता हूं, वो आप यहां से ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों यहां एफ्रेंसेस के अंदर आपको अपनी जो थीम्स को डार्क रखना है, लाइट रखना है, वो यहां से आप रख सकते हैं अपने स्मार्टफोन की थीम्स को। इसके साथ दोस्तों यहां से लैंग्वेज आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, जो भी रखना है। रिस्ट्रिक्टेड मोड आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। स्किप टेक ए बैक, यानी आप कुछ भी फॉरवर्ड करें, बैकवर्ड करें, इसको स्किप में जब डबल टैप करते हैं तो 10 सेकंड बढ़े, 20 सेकंड बढ़े, वो आप एडजस्टेबल कर सकते हैं। जूम टू फुल स्क्रीन, जब भी कोई वीडियोस आप वॉच करें हमेशा जूम फुल स्क्रीन पर आए तो वो आप यहां से एडजस्टेबल कर सकते हैं। वॉच ऑन टीवी के जरिए आप वॉच ऑन टीवी को ऐड कर सकते हैं, टीवी पर जब भी कोई चीज प्ले हो तो हमेशा हाई क्वालिटी में हो, जैसे वो आप एडजस्टेबल कर सकते हैं। योर लोकेशन, योर लोकेशन हमेशा आपको अपनी लोकेशन यहां सेलेक्ट करनी है, आप कहां से बिलोंग करते हैं वो आएगी। और इसके बाद में नॉर्मल सेटिंग्स नीचे आपको देखने को मिलती है। चलिए यहां से अब हम बैक चलते हैं और यहां सेकंड ऑप्शन आता है यहां ऑटो प्ले का। ऑटो प्ले में जब भी आप ऑटोमेटिक प्ले करें वो आएगा। ट्राई ए न्यू फीचर के अंदर आप न्यू फीचर को ट्राई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों यहां पर वीडियो की क्वालिटी को आप जब भी वीडियोस की क्वालिटी देखें तो हाई क्वालिटी में आए, कैसे क्वालिटी में आपको देखनी है वो क्वालिटी आप यहां से एडजस्टेबल कर सकते हैं कि लो क्वालिटी, हाई क्वालिटी, जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं।
इसके साथ दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आता है नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन क्या, आप नोटिफिकेशन को एडजस्टेबल कर सकते हैं कि क्या नोटिफिकेशन रखना है, किसका नोटिफिकेशन आए किसका ना आए, वो एडजस्टेबल कर सकते हैं। कनेक्ट एप्स के अंदर आपने कितने एप्स को कनेक्ट कर रखा है वो ऑप्शन यहाँ पर आएगा। इसके साथ दोस्तों मैनेज और हिस्ट्री के अंदर आपको आपकी हिस्ट्री यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, क्या क्या हिस्ट्री है। प्राइवेसी के अंदर आपको आपकी प्राइवेसी देखने को मिल जाएगी। इस तरह से दोस्तों ये यूट्यूब की ऑफलाइन के अंदर आप ऑफलाइन सेटिंग्स को देख पाएंगे। यूट्यूब पर जो भी ऑफलाइन वीडियोज आप देखते हैं वो किस टाइप से आए कैसे से वो देख सकते हैं। अपलोड के अंदर आप वीडियोस को अपलोड करें तो हमेशा हाई क्वालिटी में अपलोड हो, 1080p में अपलोड हो, वो एडजस्टेबल कर सकते हैं। लाइव चैट के अंदर आपकी लाइव चैट कैसे आए वो एडजस्टेबल कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों YouTube की ऑल इन वन सेटिंग, सभी सेटिंग। आई होप अगर आपको पसंद आई हो एंड अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत